हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ वो प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग कोर्स का पहला वीडियो है। इस बेसिक टू एडवांस कोर्स में मैं आपको वो सारी चीज़ बताऊँगी जिससे आपको एक प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट बनने में काफ़ी हेल्प होगी। और ये वीडियो देख के और प्रैक्टिस करके आप एक खुद प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट बन सकते हैं। इस कोर्स में मैं आपको बताऊँगी हेयर स्टाइलिंग टूल्स एंड प्रोडक्ट के बारे में, हेयर प्रिपरेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हेयर स्टाइलिंग के पहले, ताकि आपकी हेयर स्टाइल सिंपल क्यों ना हो तो भी अच्छे से दिख के आएगी। नेक्स्ट आएगा हेयर सेक्शनिंग, ब्लो ड्राइंग टेक्निक, क्रिम्पिंग टेक्निक्स, कर्लिंग टेक्निक्स, बर्न पॉप्स, ये सारे वीडियो आपको प्रैक्टिकली हेयर स्टाइल करके बताऊँगी जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। सारे टेक्निक सीखने के बाद हम अलग अलग हेयर स्टाइल करके देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं ये कोर्स हेयर स्टाइलिंग टूल्स एंड प्रोडक्ट के साथ। शुरू करते हैं बेसिक हेयर पिन से, इसे हम बॉबी पिन बोलते हैं। ये थीन हेयर सेक्शन को टाइटली होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। ये अलग अलग साइजेस में आते हैं। अगला आता है यू पिन्स, इसे हम जुड़ा पिन भी बोलते हैं। ये जुड़ा यानी कि बन के लिए ज़्यादा यूज होते हैं, इसलिए हम उसको जुड़ा पिन बोलते हैं। ये एडवांस हेयर स्टाइल के लिए भी ज़्यादा यूज होते हैं। इसमें अलग अलग साइजेस होते हैं। इसमें दो टाइप के यू पिन्स रहते हैं, एक तो जिगजैग पिन रहता है ऐसा वाला, और दूसरा होता है इसमें जिसमें स्ट्रेट होते हैं, लेकिन सिल्की हेयर उसमें से स्लिप हो सकते हैं, इसलिए हम ज़्यादातर जिगजैग वाला ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है स्मॉल सेक्शन क्लिप, ये स्मॉल हेयर सेक्शन को होल्ड करने के लिए यूज़ होते हैं। ये है बिग सेक्शन क्लिप, ये ज़्यादातर बिग सेक्शन को होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं क्रोकोडाइल सेक्शन क्लिप, ये ज़्यादा वॉल्यूम पार्टीशन रहता है उसको होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है रबर, स्मॉल रबर हम रबर वाली हेयर स्टाइल के लिए यूज़ करते हैं, और ये वाले रबर हम पोनीटेल के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है बन, बन हम जुड़ा हेयर स्टाइल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तीन साइजेस में बन आते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। मोस्टली हम मीडियम ज़्यादा यूज़ करते हैं। कौन से साइज़ का बन यूज़ करना है ये क्लाइंट के फेस और हेयर के थिकनेस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है पफ, इसको हम प्लास्टिक पफ बोलते हैं, ये अलग अलग साइजेस में आता है। दूसरा आता है वेलक्रो पफ, ये अलग अलग वैरायटीज़ और साइज़ में आता है। दूसरा जो ये वेलक्रो पफ ही होता है, पर ये टिक टैक पिन के साथ आता है। ये पैडल ब्रश है, ये हम स्टार्टिंग में कॉम करने के लिए यूज़ करते हैं, एंड बैक कॉम निकालने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। ये है टेल कॉम, इसका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसका जो ये टेल है ये स्ट्रेट लाइन में सेक्शन करने के लिए ज़्यादा यूज होता है। ये ब्लो ड्राई ब्रश है, ये हम ब्लो ड्राई करते वक्त यूज़ करते हैं। ये सारे हेयर स्टाइलिंग कॉम्स हैं। कौन से टेक्निक के लिए कौन सा कॉम यूज़ करना है ये मैं आपको डिटेल में दूसरे वीडियो में बताऊँगी। नेक्स्ट आता है एक्सटेंशन, ये क्लाइंट को उनके हेयर कलर के अकॉर्डिंग और उनके हेयर स्टाइलिंग के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना होता है। एक्सटेंशन के काफ़ी सारे टाइप आते हैं, कौन सा यूज़ करना है, किस टाइप का यूज़ करना है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। यह है ओसिस का वॉल्यूम पाउडर, हेयर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। यह है हीट प्रोटेक्टिंग ऑयल, ये हम हेयर स्टाइलिंग के पहले यूज़ करते हैं, ताकि क्रिम्पिंग या कर्लिंग मशीन यूज़ करने के बाद क्लाइंट के हेयर डैमेज ना हो। नेक्स्ट आता है हेयर स्प्रे, हेयर स्प्रे हम मोस्टली हेयर स्टाइल को होल्ड यानी कि हेयर स्टाइल सेट करने के लिए यूज़ करते हैं और शाइन लाने के लिए यूज़ करते हैं। हेयर स्प्रे काफ़ी ब्रांड में आते हैं और अलग अलग लेवल्स में आते हैं। जितना ज़्यादा लेवल होता है उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रांग होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। हेयर स्प्रे कैसे यूज़ करने हैं और कौन से ब्रांड में यूज़ करने हैं मैं इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाऊँगी। नेक्स्ट आता है मशीन्स, काफ़ी बार अलग अलग हेयर स्टाइल करने के लिए आपको अलग अलग मशीन्स यूज़ करनी पड़ेगी, जैसे कि कर्लिंग के लिए, क्रिम्पिंग के लिए, स्ट्रेटनिंग के लिए और ब्लो ड्राई के लिए
ये हमेशा लगते हैं। और सारे मशीन्स को कब और कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको अलग से वीडियो में डिटेल में बताऊँगी। तो ये है सारे टूल्स एंड प्रोडक्ट्स जो आपको लगेंगे प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग के लिए। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था ताकि आगे के वीडियो में जब आप मुझे इन्हें यूज़ करते देखेंगे तो आपको इनके बारे में पता हो और इन्हें यूज़ किस तरह करते हैं इसकी जानकारी भी आपको आगे के वीडियो में देखने मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिएगा ताकि कोर्स के आगे आने वाली वीडियो आपकी मिस ना हो। थैंक यू ऑल।